सरपंच जी ने पंचायत में बुलाया है, आ जाओ। आज सरपंच जी हमें कैसे पूछ रहे हैं, चलो चल रहे हैं फिर। सरपंच जी ने बुलाया है पंचायत में, आना है। ठीक है, आ रहा हूँ अभी। चाहे एक चीज है, वीडियो में स्टार्टिंग तो ऐसे होगी कि जैसे सरपंच जी ने बुलाया है पंचायत है, आगे फिर देखिए। चलो आ रही हूँ। क्या चिराए दो तीन के में लेट गया। देखो भाई, तुम सबको बुलाने का मेरा एक ही मकसद है। मैं भी दो तीन गाँव में घूम कर आ रही हूँ, वहाँ पे पता कितनी तरक्की हुई पड़ी है, बहुत ज्यादा तरक्की हुई पड़ी है। और एक अपना गाँव है, सब साला लीचोड़ा सा भरा पड़ा, सबके सब लोग यहाँ के साले भड़ हुए हैं, बस एक मुझे छोड़ के, इसे भी छोड़ के। ये पंचायत मैंने सिर्फ इसलिए बिठाई है ताकि हमारे गाँव की तरक्की के बारे में सोचा जाए। अब अपनी अपनी राय दो कि तरक्की कैसे हो सकती है इस गाँव की। देखो सरपंच जी, तरक्की होती है नई पीढ़ी से, जैसे हम सब लोग। अब हमें रात को तो पूरी रात नींद आती नहीं है। अब मेरा ही सुन लो, मैं 3 बजे तक तो तुम्हारी भाभी से बात करता हूँ, फिर अचानक से मुट्ठी लग जा। अब चाहे दिन के 2 बज जा, मुझसे ना उठा जाता। तुमने सारी ताकत खत्म कर ली ना शरीर की, तो 2 बजे से पहले कैसे उठ जाओगे? यार यहाँ पर काम की बात चल रही है, काम की बात करने के लिए बुलाया मैंने। ये बदतमीजी कर रहे हो तुम छोड़ो। हाँ भाई टीटू साहब, तुम बताओ। देखो सरपंच जी, अगर गांव की सच में तरक्की चाहते हो ना, तो तुम गांव में डलवाओ सड़कें। एक एक गली में सड़क होनी चाहिए अच्छी। सब देखो गांव की कितनी तरक्की होती है। टीटू साहब देखो, तुम निकले बहुत बड़े वाले गांडू। अगर सड़कें बढ़िया हो गई तो लोंडे अपर मुंडे हो जाएंगे, गाड़ियां तेज चलाएंगे, एक्सीडेंट होंगे, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगे? नहीं ना। और रही बात सड़कों की, तो वो काम है सरकार का। हमारी गांड में कहां इतना गोदा जो हम सड़कें डलवा में। तुम अपनी बात को अपने पिछवाड़े में घुस लो। दानिश भाई आप बताइए। देखो सरपंच साहब, गांव में बनवाओ एक बहुत बेहतरीन वाला अस्पताल, और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए, और इलाज भी गरीबों का फ्री, और नर्सें तो रसियन रखवा दो, फिर गांव की तरक्की तरक्का खड़ा मिलेगा। दानिश भाई तुम्हें पता है एक रसियन का खर्चा कितना? तुम्हारा घर बिक जाएगा, एक रात का खर्चा ना दिया जाएगा। और रही बात अस्पताल की, हम कहीं के मिनिस्टर ने जो अस्पताल बनवाएंगे, ये काम भी सरकार का, सरकार के ऊपर छोड़ दो। इसके लिए भी हमारे गांव में गुदा नहीं है। कुछ और बताओ, कोई और राय हो तो आपके पास। तो सरपंच साहब एक काम कर लो, स्कूल खुलवा दो, उसमें 7-8 मैडम रख दो, और मुझे अकेले कुछ सर बना दो, उसमें मजा आ जाएगा। देखो गांव की तरक्की भी हो जाएगी, बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे फिर। साले तू गांव की तरक्की के बारे में सोच रिया या अपनी तरक्की के बारे में सोच रिया? तू चुप जा। टीटू साहब तुम बताओ दोबारा। मैं ना बता रहा, तुम फिर मना कर दोगे? नहीं करूंगा मना यार। मैं बता ही ना रिया, तुम्हारी जान कसम नहीं करूंगा मना, बताओ तुम। तो एक काम करो, गांव की अगर तरक्की चाहते हो ना, तो पार्क बनवा दो गांव में। तू चुप जा भूतनी के, तुझसे गलती पूछ लिया, ये काम सरकार कहती है पता ना है। पिछले वाले बेटे तुम बताओ। चलो फिर एक काम करो, पूरे गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं, पूरे गांव की नौकरी लगवा दो, फिर इस गांव की तरक्की हो जाएगी। सालो मुठियारो, 2 बजे से पहले तुमसे उठाना जाता, नौकरी तुम्हारी लगवा दूं। तू चुप जा, कोई और बताओ भाई। अरे सरपंच साहब मैं बताऊंगा कैसे होगी गांव की तरक्की, हम है सबसे ज्यादा दिमागदार यहां पर, सुनो। तू चुप जा, जब से पंचायत चालू हुई है तू चुप बैठा, चुप ही बैठा रहे। और तुझे तो मैंने बुलाया भी ना, आया क्यों यहाँ पे? चल निकल यहाँ से, तेरी अम्मी ढूंढती फिर रही है। अबे हाय, साला गाय का सरपंच चाहिए। अबे नए सड़कें बनवा रही, नए हॉस्पिटल बनवा रही, ना पार्क ना स्कूल। अबे इससे बजे तो गाँव में रंडी खाना खुलवा दे। ये हुई देखो बात, थोड़ा सा डाटा रखता गाँव की तरक्की की बात आ गई। रंडी खाना खुलवाने को कह रहे हो ना तुम, मुझ पर दबाव बनवा रहे हो, खुलवाओ खुलवाओ, तो कल को ही खुलवा दूंगा। ये गांव की तरक्की की बात है, पीछे नहीं हटूंगा बिल्कुल भी, सही है? और अपनी बहू को भेज दियो, काम पर रखवा दूंगा, सही है ना? अगर आपका किसी ने मना कर दी तो जान से मार दूंगा एक एक को। चल बे चला, पंचायत खत्म। सरपंच जी, सबने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, किसी ने कहां दबाव बनाया तुम पर, ये तो बेचारा बच्चा गुस्से में बोल गया और तुमने सच मान लिया। अबे तू समझा नहीं, मैंने निकलवाई है उसके मुंह से जान पूछ के, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा मुझे इस काम के लिए। अब जो है घर के पास में ही हो जाएगा, अगर मैं अपने पास से खुलवाता खुद जबरदस्ती, तो साले सरपंच की कुर्सी से भी हटा देते मुझे, और कोठा भी बंद करवा देते। अब इनको ऊपर दबाव रहेगा, ये हटवा भी नहीं सकते, मेरा काम भी फ्री में हो जाएगा, पैसा अलग से कमाऊंगा। बहुत लगाया तुमने ये तो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।